और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां फर्जीवाड़े पर अंदर खाने से आ रही है ये खबर। आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंची शिकायत। फर्जीवाड़े को लेकर मिली गुप्त सूचना के बाद एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। पीटीआई भर्ती 2022 के बाद पीटीआई भर्ती 2018 भी राडार पर। 2022 में फर्जीवाड़े पर एक्शन के बाद 2018 में भी हो सकता है एक्शन। बोर्ड की वर्तमान कार्यशैली ने किया साफ, किसी भी फर्जीवाड़े को नहीं सहन किया जाएगा, किसी भी फर्जी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो बोर्ड की वर्तमान कार्यशैली ने साफ किया कि किसी भी फर्जी को छोड़ा नहीं जाएगा। जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फर्जीवाड़े पर अंदर खाने से ये खबर आ रही है। पूरी तरह से विभाग एक्शन में है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास शिकायत भी पहुंची है। फर्जीवाड़े को लेकर गुप्त सूचना के बाद एक्शन की तैयारी में विभाग। पीटीआई भर्ती 2022 के बाद पीटीआई भर्ती 2018 भी राडार पर है। फर्जीवाड़े पर अंदर खाने से ये खबर आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंची है शिकायत। कार्यशैली को लेकर विभाग ने साफ कर दिया है कि किसी भी फर्जी को नहीं छोड़ा जाएगा। पीटीआई भर्ती 2022 के बाद अब पीटीआई भर्ती 2018 भी राडार पर है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर। कुणाल, इस समय लगातार विभाग की जो कार्यशैली दिखाई दे रही है उससे कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है विभाग ने कि जो भी फर्जीवाड़ा हो रहा है या जो भी फर्जी कैंडिडेट है उसे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि खबरें जो आ रही है अब 2018 के पीटीआई भर्ती भी निशाने पर है। कुणाल, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? तो पीटीआई भर्ती 2022 के बाद 2018 पर भी एक्शन हो सकता है। आपको बता दें, बोर्ड की वर्तमान कार्यशैली ने यह साफ कर दिया है, किसी भी फर्जी को नहीं छोड़ा जाएगा। और फिर से एक बार हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। कुणाल, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के पास शिकायत पहुंची, फर्जीवाड़े को लेकर गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद लगातार एक्शन की तैयारी में विभाग दिखाई दे रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए, लगातार आरएसएम बोर्ड फर्जी अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करने के लिए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इस बीच कल जो सचिवालय में आलोक राज, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत की, तो जब उनसे सवाल किया गया जिस तरह से पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़ा सामने आया है, तो 2018 की जो भर्ती हुई थी क्या उसको लेकर भी कोई शिकायत आपको मिली है या उसको लेकर भी कोई जांच की जाएगी, तो इसको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि हमें 2018 की जो भर्ती है पीटीआई, उसको लेकर शिकायत मिली है, क्योंकि पहले 2022 की हम जांच कर रहे हैं, पहले उसकी जांच हम पूरी करेंगे, उसके बाद अगर हमें लगा तो 2018 की भर्ती की भी जांच हम करवाई जाएगी और जो भी फर्जी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी मेहनतकश अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जो भी फर्जी है उन पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए।